हेलो एवरीवन, सेवा सोनी नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ विक्रम रावत, स्वागत है सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे मॉर्निंग 11 बजे से, और आज है संडे और हम जा रहे हैं आज लॉन्ग ड्राइव पर। तो हम कहाँ जा रहे हैं आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, और बाकी आपको रास्ते से दिख ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। और आज देहरादून का ट्रैफिक और देहरादून की गर्मी पूछो ही मत, बहुत ही भयंकर गर्मी, इसलिए पूरा फेस कवर करना पड़ रहा है। तो गाइस ये है देहरादून का बहुत ही खूबसूरत शहर, प्यारा नज़ारा। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जो कि मन की इच्छा पूरी करती है। 40 दिन में अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो उसकी मन की इच्छा पूरी होती है, और वो है यहाँ नरेंद्र नगर बाईपास में। और बाईपास से थोड़ा सा आगे है, 1-2 किलोमीटर आगे। यदि आप लोग देहरादून से आते हैं तो देहरादून से लगभग ये 32 किलोमीटर की दूरी पे है, और नरेंद्र नगर वाली रोड पे है। नरेंद्र नगर बाईपास से 2 किलोमीटर की दूरी आगे है, लेफ्ट हैंड पे आपको सीढ़ियाँ मिल जाएगी। यदि आप ऋषिकेश से आते हैं, ऋषिकेश से आपको पड़ेगा लगभग 11 किलोमीटर आगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए मन इच्छा देवी मंदिर में, और आपको यहाँ से है कितने किलोमीटर दूर है? 1-1.5 किलोमीटर यहाँ से ऊपर है चढ़ाई है, और हम चलते हैं। और फिलहाल यहाँ पे बंदरों का बहुत ही ज़्यादा आतंक है, इनके साथ ना बहुत बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है सावधान करके। ये देखो कैसे घूर के देख रहे हैं, और तो हमने साथ में पकड़ा है डंडा भी पकड़ रखा है, क्योंकि ये लोग ना झपट देंगे, फोन छीन लेंगे ना। तो दोस्तों आप लोग आएंगे तो यहाँ पे कृपया करके बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि बंदर झपट जाते हैं। और फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए मन इच्छा देवी मंदिर में, तो आज आपको पूरा दर्शन कराएंगे मंदिर का। तो गाइस ये रहा, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही नेचुरल ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ पर आप देखो कितना हरा भरा जंगल है। यहाँ पे माता के चरण में आके ना सच में बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें, जरूर आए यहाँ पे। और कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पे 40 दिन तक लगातार सच्चे मन से माता के दर्शन के लिए आता है, माता की पूजा के लिए आता है, और माता उसकी सुनती है और उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ पे जो माता की पूजा होती है, जो भगवती की पूजा होती है, वो मन इच्छा देवी के नाम से ही होती है, क्योंकि यहाँ पे मन की इच्छा पूरी होती है, तो इसलिए इस मंदिर का नाम मन इच्छा के नाम से जाना गया है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मन इच्छा मंदिर में, और आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल हम करते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं, और आज संडे है और आज भीड़ भी बहुत कम है यहाँ पे, ना के बराबर है। जय माता दी। Thank you.
तो गाइस फाइनली ये रहा मनीषा मंदिर, मनीषा माता मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे किसी भक्त ने बहुत घोर तपस्या करी थी और घोर तपस्या करने के बाद माता ने उसे दर्शन दिया था और माता ने उसे दर्शन दिया था और तब से यहाँ पे मनीषा के नाम से यहाँ पे माता की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जो भी सच्चे मन से यहाँ पे माँ की भक्ति के लिए आता है, माँ के दर्शन के लिए आता है और माँ उसकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ये भी कहा जाता है यहाँ पे लगातार अगर कोई 40 दिन तक माँ के चरणों में आता है अपनी मन की इच्छा के लिए अपने, तो माता उसकी मनोकामनाएं पूरी करती है। और आपने जैसे यहाँ पे बोर्ड में लिखा भी है माता के बारे में, आपने पढ़ी लिया होगा ये सारी चीज़ें, मैंने आपको पढ़ा भी लिया था पहले। और हमारी देवभूमि में बहुत ही देवी देवताओं की पूजा पाठ होता है, अलग अलग रूप में माताओं की पूजा होती है। तो ये इस भगवती की पूजा जो है वो मन की इच्छा माता के नाम से ही जाना जाता है, उसकी भगवती के नाम से इनकी पूजा होती है। तो गाइस ये है भैरव गुफा और ये बहुत ही बड़ा गुफा है, तो यहाँ पे फिलहाल ताला लगा हुआ है, नहीं तो हम आपको अंदर के दर्शन भी कराते हैं। भैरव गुफा है तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मनीषा माता मंदिर के दर्शन करके, और अभी हम चलते हैं कमरे की तरफ। और बाकी जैसा भी रहा होगा यार, मैंने आपको अच्छे से बेस्ट बेस्ट दिखाने की कोशिश करी। तो मेरे साल है फिलहाल सोनू लाल क्या तरीका है लाल बोलने का, तो मेरे साथ है मेरा दोस्त है सोनू रावत, ये भी रावत ही है। तो हम चलते हैं इसके बाद देहरादून का सबसे बेस्ट जगह पे स्वैग करने के लिए। स्वैग करने के लिए क्या खा रहे देखो 50 रुपये किलो फ्रीज में रखना हो तो चले जाते ना। और गाइस हम यहाँ पे ले रहे हैं लीची, और यहाँ पे लीची बहुत ही सस्ता दे रहे हैं भाई लोग, क्योंकि हमने मार्केट में देखा, मार्केट में है लीची का भाव 140-150 रुपये किलो है, और यहाँ पे ये भाई दे रहा है हमें 50 रुपये किलो, तो बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ से ले जाते हैं अभी 102 या 103 किलो ले जाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है। और अभी हमें यहाँ रायपुर साइट है, कौन सा एरिया है भैया ये? भोगपुर। तो हम यहाँ पे हैं भोगपुर में, यहाँ से रायपुर है तुम्हारा 10 से 15 किलोमीटर दूर है। कि कहाँ कौन सी जगह है यहाँ पे? भोगपुर है, भोगपुर में। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय माता दी।